जो भी चीजें हैं वो चाहिएगी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा और तो हमारा प्रोजेक्ट तैयार होगा, क्योंकि हमारे नेक्स्ट लेवल पे उस प्रोजेक्ट को हमें एक्चुअल में कंसिडर करना है। जब हम अपने नेक्स्ट लेवल पे होंगे, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे, तो हमें नेक्स्ट लेवल पे अपने उस प्रोजेक्ट को एक्चुअल में प्रेजेंट करना है, तो उसको हम इस एक डेढ़ महीने के प्रोसेस में ही तैयार करेंगे। दूसरा, अब हमें ये बच्चे को ये प्रोजेक्ट क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में आ गए, हमें क्या जरूरत है प्रोजेक्ट बनाने। देखो, अधिकांश पेरेंट्स हमारे आसपास के ये समझते हैं कि बच्चा जो है टीचर के डर और पेरेंट्स के डर से ही पढ़ता है। वास्तविकता यह है, बच्चा तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, और बच्चे का इंटरेस्ट तब डेवलप होगा जब बच्चा अपने एजुकेशन को, अपने लर्निंग प्रोसेस को अपनी आसपास की चीजें से जोड़ेगा। ये प्रोजेक्ट उसी तरह का उदाहरण है। बच्चा अपने दैनिक जीवन में से ही कुछ टाइम निकालेगा और इस प्रोजेक्ट में काम करेगा। इससे क्या होगा कि बच्चा जो है अपनी पढ़ाई, अपनी लर्निंग प्रोसेस को अपने प्रोजेक्ट से एंगेज करेगा, जिससे एंगेज होने से बच्चा अपनी लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, जिससे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, और बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो उससे उसका मोटिवेशन आएगा। तो हमें यह चीज समझनी चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई के लिए फियर नहीं।